देखिए ये गमले का वेट सहित जो है 1375 ग्राम है, इसमें 1 किलो पानी है और 375 ग्राम जो है आपका गमले का वजन है, और इसका सफाई हम दिखा रहे हैं। इसमें 70 हो रहा है, 1 मिनट, 70 70। इसमें हम 20 से 30 ग्राम सरफ लेंगे, डालिए अब आप सरफ, देखिए सरफ 20 से 30 ग्राम वजन देखिए वहाँ पे। तेरह सौ 90 हो गया, 10 ग्राम और 30 ग्राम के आसपास सरफ ले रहे हैं। 30 ग्राम कर हाँ, दीजिए। 30 ग्राम सरफ लीजिए। टोटल आपका जो है ये 30 ग्राम सरफ हो गया, 1 किलो पानी में 30 ग्राम सरफ हो गया। इसका हम झाग अब दिखा रहे हैं, झाग बाहर ले दिखा, चले गए। ना नहीं, पानी देखिए एकदम क्लीन है। ठीक, ये ब्लू कलर का पाउडर हम बनवाए हैं, घड़ी के टाइप का पाउडर है ये, और इसका झाग देखिए, और उसके बाद हम सफाई दिखाते हैं। इसको मिला के झाग बनाया जा रहा है। ये झाग इसका देखिए 20 ग्राम सरफ का झाग है ये। अब इसमें गंदा कपड़ा जो है हम दिखा रहे हैं, देखिए कितना गंदा कपड़ा है, दिखा दीजिए कपड़ा, दिखा दीजिए गंदा, ये तौलिया जो है गंदा है कपड़ा, एकदम मैल है ये। अभी इसका मैल कितना काटा है वो हम दिखा रहे हैं, देखिए इसका झाग देखिए। तुरंत जो है हम सफाई डालने, अभी हमको लगता है कि ये वीडियो बनाते बनाते इसका सफाई हम दिखा रहे हैं हमको। देखिए कितना तुरंत ये सफाई काटना, मैल काटना स्टार्ट कर देता है। दिखा दीजिए थोड़ा सा पानी हटा के, देखिए देखिए ये मैल जो है तुरंत, देखिए ये मैल काटना स्टार्ट कर रहा है, देख रहे हैं थोड़ा सा और। हाँ देखिए मैल पानी जो है मैल टाइप का हो गया, तुरंत ही मैल काटना स्टार्ट करता है। अब इसको झाग बना के मतलब और कचकार के इसको दिखाइए। ये तेल वेल लगा हुआ था तौलिया में, तो तेल की वजह से थोड़ा सा झाग में जो है असर पड़ता है, और देखिए मैल कितना सफाई किया है। अब इसको कचकाड़िए, देखिए मैल, देखिए मैल, देखिए कितना काटा है, उसका पड़ा के इधर सर तेल लगा हुआ था कपड़े में। और उसको झाग ये करिए, बाहर ले चले गए, ना ना यहीं पे गाड़िए उसको, देखिए कितना मैल गिर रहा है, देख रहे हैं, देखिए देखिए ये देखिए मैल, देखिए मैल, देखिए कितना कटा है मैल, उठाई कि ना इसके बाद भी जो है मैल के बाद भी झाग उठा रहा है, देखिए यही सफाई है इसका। तुरंत डाले हैं, तुरंत निकाले हैं ये।